दोस्तों नमस्कार। गौरी का खेल हो रहा है, हम अभी पंचवटी में हैं। पंचवटी में कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर सुरेश जी सुथार गया। सुरेश जी सुथार चीरवा के कम मेरे ख्याल से 10 बार सरपंच रह चुके हैं। चीरवा में परमानेंट सरपंच ये सुरेश जी सितारे बनते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है। सर आपने यहाँ पर पंचवटी में गौरी क्यों ना चाहिए? श्रीमान छोगालाल जी, ये पंचवटी मेरी जन्मभूमि है। यह मेरे फादर 64 में आए पंचवटी, और यह पंचवटी से हमारी पहचान चीरवा से हुई है। लेकिन हम चाहें कि भाई ये हमारा गौरी का प्रोग्राम जो मेरी जन्मस्थली पंचवटी रही है, तो मैं चाहूँ मेरे जन्मस्थली मेरे गाँव की गौरी यहाँ नचाऊँ। और ये राजस्थान का गर्वी नृत्य है, भील समाज द्वारा किया जाता है, और हमारे गांव के पंच सरपंच गांव के सभी समाज के लोग मिलके इस गौरी का आयोजन रखते हैं। अब ये गौरी के समापन में क्या होगा? गौरी की आज समापन नहीं, आज तो गौरी का है ये। नहीं, आपके यहाँ जो शाम को समापन, शाम का इनका जितने भी हमारे आदिवासी भाई हैं जो गौरी से है और हमारे मित्र लोग हैं, सभी आज खाना यही है शाम का इनका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सर परिचय देके बोलो। नारायण सिंह झाला गोगुंदा, मैं यहाँ सुरेश जी के माध्यम से गौरी देखने आया हूँ और गौरी का आनंद ले रहा हूँ। सर आप भी? मैं महेश पालीवाल, ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व मावली फैमिली। ये मेवाड़ की जो संस्कृति है, इस संस्कृति को इस भील समाज ने आज बचाए रखा है। इसकी वजह से आज चीरवा के जो सुरेश जी सुतार सरपंच हैं, इन्होंने जो ऐतिहासिक काम किया है कि अपनी जन्मस्थली के सामने जो गौरी नचाई है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद।
दोस्तों जैसा कि मैं पहले और बता दूं, सुरेश जी सुतार के यहाँ बैठे हुए हैं। सुरेश जी सुतार कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं और इनके घर पंचवटी में गौरी नचा रहे हैं। सर आप भी कुछ कहिए। बस गौरी का आनंद ले रहे हैं बीजेपी राज में। गौरी का आनंद ले रहे हैं बीजेपी राज में। शहर के अंदर जिस तरह से हमारे मेवाड़ के अंदर जो गौरी नृत्य है, हमारी संस्कृति है, हमारा भील समाज की संस्कृति है, उस समाज को बचाए, उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए भील समाज हर वर्ष 3 वर्षों के अंदर हर गांव के अंदर गौरी ली जाती है। आज उसी दरमियान आज चीरवा सरपंच श्रीमान सूर्य जी सुतार ने पंचवटी जो शहर के अंदर जो शहर के जो निवासी है उनके लिए देखने के लिए जो गौरी नृत्य किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम क्या आपका? गिन्नी। गिन्नी 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 बोल के बता थी। वेरी गुड। दोस्तों जैसा कि मैं बता चुका हूं कि पंचवटी में गौरी हो रही है, सुरेश जी सुथार करवा रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्रीमान गोप जी भाई साहब भी पधारे हैं और ये सभी जितने भी गौरी के कलाकार हैं इनके साथ खड़े हुए हैं। गौरी एक मेवाड़ का और हमारे मेवाड़ का बहुत बड़ा नृत्य है। हम सब जो भी बंजारे बने हुए हैं या ये पुलिस बने हुए इनसे भी बात करेंगे। आदरणीय गोप जी भाई साहब आप कुछ कहें गौरी के बारे में।
हमारे मेवाड़ का एक ऐसा ये पर्व होता है जब हमारे फसलें बो दी जाती है कि मक्की की, उसके बाद हमारे किसान भाई सब फ्री हो जाते हैं और इस दो महीने के अंतर हर घर में हर गांव में ये गौरी का नृत्य होता है। और इस गौरी को करवाने का एक बहुत बड़ा इसके पीछे उद्देश्य है कि जो महादेव की आराधना होती है इस गौरी के माध्यम से, और ये जो बंजारे और सब वेशभूषा में जो आपको मिले, ये काफ़ी अच्छे प्रकार से अपने नृत्य का और प्रदर्शन करके, अपने खेल का प्रदर्शन करके हमारे गांव में एक बहुत ऐसा आयोजन होता है जिससे कि लोगों का मनोरंजन होता है। और ये एक आराधना है शिव की, उसके माध्यम से ये लोग सब उस दिनों में न तो किसी भी तरह का कोई खाने पीने में बहुत इनका रहता है, किसी तरह की मदिरा का पान या किसी तरह की मांस मदिरा का पान करना ये सब वर्जित होता है। और इस पीरियड में ये जितने समय रहते हैं ये आराधना में लीन रहते हैं, उसके अनुसार ये गांव में एक मनोरंजन का साधन भी है। और हमारे मेवाड़ के हजारों सालों से ये पर्व मनाया जाता है और इन्हीं दिनों में ये पर्व गाँव गाँव ढाणी ढाणी में होता है। आज हमारे सुरेश जी जो सरपंच हैं जीरवा के, उन्होंने ये आयोजन हमारे पंचवटी में करके एक उदयपुर में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ और सभी गौरी के कलाकारों को अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ ताकि उनका भविष्य महादेव की आराधना में रहते हुए बहुत कुछ आगे बहुत कुछ प्राप्त करे। धन्यवाद धन्यवाद गोपजी भाई साहब। ये गौरी में जो वणजारा का किरदार होता है, ये वणजारा का किरदार मतलब वणजारो क्यों, वणजारो कई चीज़ है ये? अब महादेव जी का खेल है, शुरुआत से सुबह से होता है। जो महादेव जी जैसे पार्वती जो शादी करता था तो गोरा देवी ने कहा कि तुम्हारे पार्वती हमारे बुआ जी हैं, तो वो उसके हम पीरे लगते हैं। तो गोरा देवी ने कहा कि पीरे क्या करेगा, तो कह सवा महीना नसाऊंगा, इसलिए ये गबरी नेट में पूरा नाटक करना पड़ता है बंजारा, क्योंकि मैं एक बंजारा एक लाखों का व्यापारी होता है। ये मारवाड़ जो पूरा देसूरी की नाल से जो जितना जो कार्य था हमारे बंजारा के रूप में, हम जो कार्य करते हैं वो लाखों का व्यापारी होते हैं। हम माणक मोती खोपरा जो माल जो बेच बुझा के हम जो व्यापार करते हैं, गाय डांडा जो भी हमारे साथ रखते हैं, हम ये बंजारे के रूप में हम करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ घटनाएँ होती है, जब हम हमारी पूरा माल भर के कहीं ले जाके जाते हैं तो रास्ते में कुछ मीणा लोग जो होते हैं चोर होते हैं, वो हमारे को लूटपाट करते हैं। पुलिस भी हमारे को बहुत परेशान करती है, पुलिस भी हमारे बंजारे को पकड़ लेती है और हमारे को बंदी बना देते हैं। फिर लास्ट में वापस जो मीणा लोग जो होते हैं वो हमारे को लड़ी झगड़ा होता है, वो हमारे को बालत लूट लेते हैं, हमारे लड़ी झगड़ा करते हैं। हम भी उनसे खूब लड़ी झगड़ा करते हैं, तलवार निकालते हैं, भाला ठोक ठोका के सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को वो मार देते हैं। मैंने आप ये बताओ, आप बुजुर्ग हो, आप जवान बंजारा हो, ये जो पुलिस री और थाने जो सेटिंग हुए, तो यह वणजारा तो मतलब कह रही सालों गौरी चल रही, 100-200 सालों चल रही है, तो ये पुलिस वधी भी ऐसी होती थी पुलिस भी पहले भी पुलिस अभी है जैसी होती थी, पहले भी पुलिस हमारे जैसे रिश्वत लेती थी, मतलब दान चोरी करती थी पहले भी पुलिस। हाँ, पुलिस हमको जाने नहीं देती, दान नहीं दोगे तो हमारे से नाच गाना करा। दोस्तों देखो, ये नई चीज बता रहा हूँ, हमारे गोप जी भाई साहब भी खड़े हुए हैं के ये गौरी का खेल है वो तो 200 साल 300 साल या सदियों से होता आ रहा है, बट इस वणजारे के खेल में पुलिस भी होती है। उस जमाने में अंग्रेज की पुलिस हुआ करती होगी, अंग्रेज की पुलिस होती थी, लेकिन पुलिस चोर उस समय भी होती थी। पुलिस उसमें भी टैक्स लेती थी, हमारे से दान लेती थी, उस समय टैक्स का नाम नहीं था, टैक्स को बदल के दान कहते थे उस समय। अच्छा। अभी उसको टैक्स कहते हैं, तो कुछ मात्रा अभी जो बार में आया जो उसको जीएसटी कहते हैं भाई। अच्छा, जीएसटी। हाँ। देखो दोस्तों, कितनी बड़ी खुशी की बात है कि जीएसटी को हमारे ये भाई बंधु सब समझते हैं, हालांकि ये लोग सब आजकल पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने धर्म को आगे चलाने के लिए मीणा जाति या भील जाति सॉरी भील जाति के जो कलाकार हैं इन ये मेवाड़ भील कोर के हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। थानेदार साहब बढ़िया लिखे हो, कति क्लास? सेकेंड ईयर बन रहे हो, तो कई करोगे थानेदार बन? ये अभी मतलब वो बाल्टी लेके जा रहे तो बिना टैक्स के लिए इनको थाने में गिरफ्तार कर देंगे। और टैक्स नहीं, जीएसटी नहीं लगा रहे, इसे पतली गलियों में निकल रहे हैं माल का, वो टैक्स नहीं देते ये। जीएसटी? हाँ, जीएसटी सी। गोप जी भाई साहब, आप तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हो,
राजनीतिक हो पर ये गौरी के कलाकार भी जीएसटी की बात कर रहे हैं। ये देखिए साहब, ये राजा रजवाड़ों का समय का कार्यक्रम है, तो उस जमाने में भी जो खेती होती थी, जो भी होती थी, उसके आधार पे उसका जो मुआवजा लगता था, ये धन गवा के आ रहे हैं और धन के ऊपर रेवेन्यू तो मिलनी चाहिए। तो ये सरकारी लोग हैं या राजाओं के लोग हैं जो ये इनसे वसूली करते हैं और उससे टैक्स के रूप में इसको जमा कराते हैं खजाने में। मतलब इसमें दोस्तों, मैंने कहीं गलत कर दिया तो माफ़ करना कि ये पुलिस उस समय की भी ऐसी होती थी, पर ये पुलिस अच्छी होती है, पुलिस ही सभी टैक्सों को उस जमाने में वसूलती थी। यही कहना चाहते हैं, वसूलती थी, वही कार्यक्रम है इनका और ये वसूली के लिए। सूरज जी भैया, धन्यवाद देता हूं। सभी आप अध्यक्ष जी आज हमारे इस पर्व में हमारे गांव से जो गौरी आए हैं उन कलाकारों के बीच में अध्यक्ष जी भी बता रहे हैं, इनका बहुत बहुत मेरे परिवार की ओर से, मेरी ग्राम पंचायत की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद और उदयपुर शहर की तरफ से भी इनको धन्यवाद। थैंक यू सर। वाह, अभी जोरदार नाचो और फोटो लो। अरे वो अभी एक्सीडेंट हुआ ना आपने, एक गधे का और एक मोटरसाइकिल भाई सवार का, दोनों का। हाँ, तो उनको क्या हुआ? क्या? उसका ये हुआ, हाँ। गधे को वहाँ डेंडिंग पेंडिंग पे भेज दिया, हाँ। और भाई को वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा दिया, हाँ। ताकि डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। और उसको बाइक सवार को वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचा दिया ना। और अपने जो घायल है उनको क्या मोटर बॉडी कारखाने में हथौड़े मार मार के सही कर रहे हैं? क्या सही कर रहे हैं? सारे डॉक्टर वही लगा रखे हैं, वही लगा रखे डॉक्टर। और इसको बोलो खड़े खड़े पेशाब नहीं करे, खड्डा पड़ जाए चक्कर लगा कर पेशाब करे। और ये गाय पे खड़े पड़ जाते हैं, ये खड़े रह के बाथरूम करने से क्या खड्डा पड़ जाता है, क्या बच्चे खेलते खेलते अंदर पड़ जाते हैं, उसके लिए चालान बनाना पड़ता है, चक्कर लगा कर पेशाब करना पड़ता है, पेशाब करके चक्कर लाना पड़ता है। लगा दो ऑर्डर, ऑर्डर लगा दिया, लगा दो ऑर्डर। अरे जेंट्स तो ये खड़े खड़े पेशाब कर लेंगे, तो लेडीज का क्या करोगे? लेडीज के लिए वो बना रखा ना क्या शौचालय बना रखा अभी? हाँ, किसने बनाया शौचालय? नरेंद्र मोदी ने क्या? हाँ। और ना आज से एक ड्यूटी और लगा दी, क्या लगा ड्यूटी और? औरतें बाहर खड़ी रहेगी, जेंट्स सारे अंदर सोएंगे, चोरी बहुत हो रही इसलिए। हाँ, चौकीदारी करेगी औरत। हाँ, इसलिए ठीक है। अच्छा ठीक है। और अपने वो रेल का इंजन का क्या हुआ? वो चाय की केतली में मिल गया था ना। मिल गया चाय की केतली में स्टेशन पे? एक जगह चाय भेज रहा था, वो कब में आ गया, मैंने पकड़ के लिया उसको। राजस्थान की पुलिस भी इतनी वो आगे काम करी, रेत इतना बड़ा रेल का इंजन जो एक चाय की केतली में ढूंढ लिया। जब क्या, कैसे ढूंढ लिया चाय केतली में? राजस्थान की पुलिस धुआं निकल रहा था, धुआं से पता कर लिया। अच्छा ठीक बात है, कोई बात नहीं। अरे तलवार है, तलवार। और ये बंजारा का लाका, बंजारा का भाला रे भाला। पीछे डाल दो, डाल दो। नीचे क्यों डालते हैं? क्यों? ये क्या कर रखा पूरा रोड, ये गोबर गोबर, ये बैल का, ये पूरा खराब कर रखा ये रोड। अरे सुने दाली जी, बोले वो किसे सुरी नाले, बोले वो किसे घड़े नाले कटा है, बोले किसे हीरा पंगा है, बोले वो किसे घंट खोपरा है, बोले किसे मन कमोती है, बोले अरे बेटे का बाप सारकूट सौदा पाने मुकटे कटे बाटे तो दाम लागे 14 प्रो 15 प्रो हाईवे के अंदर 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 जा रहे हैं, हवेर बाहर निकल हुई है। हां चलो चलो।
देन लेन करनी है फटाफट कर दो साहब सुपरिश कर दांगा मैं। अच्छा सरकार पुलिस वाले इसीलिए बनाया। हाँ इसलिए बनाया। रिश्वत खोर नहीं फाइल तैयार करनी पड़ेगी उसका पैसा लगता है टाइपिंग का। बंजारों को तो बंद कर देते और बंजार के पास तुम दान लेने की बात है ये हमारा काम है। काम है हमारा माँ शोर नहीं है शोर खाओ मैं गाना सुना दी तू खाना खा के आया सुबह चावल चाय पीछे आओ खाना नहीं लाला गीत सुना दो ऐसे बना गीत सुना दो कौन सा राजस्थानी मारवाड़ी गुजराती बरवाड़ी बरवाड़ी कौन सा अब राजस्थानी सुना दी हाँ राजस्थानी सुना दो चल अरे हाँ अरे के तोरो के दानी ने केरो के पानी रे हारे दानी जियो मारे नाये गलियो मारी बालतड़ी ने जावा दी जरे हारे दानी जियो मारे नाये गलियो दानी जीरो दाने चुका दे रे वावारे बल जारियो वावारे साला अल्लू का पट्टा तेरे चश्मा कहाँ रहा साहब वो लेके बंजारी है एक चश्मा नहीं संभाल सकता बंजारे को क्या लाख कमा लगा तो क्या कर रहा तू झूठ लगा बता दे रे हारे दानी जियो बाबा रे नायक जियो सालूडर नाम सालूडी रे बाबा रे बन जा रियो बाबा रे We'll be right back.
मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा, मेरे को छक गया, ठीक ला रहे हो पेंट भी वहां उतर गई। खानदानी जो सरकार के नाम है, उस नाम का कलंक लगा रहा है। कलंक लगा रे नायक जियो। सरकारी नौकरी में मजा ही मजा आ गया। काम नहीं करना पड़ता, सोना पड़ता है, इसलिए आप लोग सोचते हैं सरकारी नौकरी वाले क्या? इसलिए नंदूरी रे बाबा रे बलजारी ओ बाबा रे भर्ती हो गए तुम्हारी ये नौकरी दो टके की सर, ये पगड़ी से दौर से सर। अरे क्यों नहीं करे नौकरी आप? आपको मैं बहुत मुश्किल से नौकरी लगाए, रिश्वत दे दे के साहब को ऊपर से घटिया क्वालिटी की नौकरी को आगिया से डिपार्टमेंट में कम होए। सस्पेंड कर दो इसको, वापस नहीं रखना इसको, वापस जाए तो नहीं है इसको। ये मेरी भर्ती है, थोड़ी स्टार्ट कर सर, मेरे को नहीं करना, नहीं करना, अरे जाओ जाओ नहीं करना तो बहुत है, अभी भर्ती सेना में बहुत बढ़ रहा है, बिना ट्रेनिंग कर रहे हैं हम तो। पकड़ो क्या हुआ मुझे, अरे पकड़ो जल्दी से क्या हुआ, नोटिस कर रहे हो, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इधर आ जाओ, क्या हुआ, आप क्यों नहीं कर रहे ड्यूटी? ऊपर लगा दो रोप वे बना वहाँ पे नया माटी सारो बैल ने कल मेरा सर। गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिया चमकदार, गाड़ी मेरी रंग रंगीली पहिया चमकदार, बैठने वाली तू बन जाएगी, चलाने वाला यार तू का यार। बंजारी जी एक गाना और सुना देता हूँ मैं, पानी से भरी बोतल, पानी से भरी बोतल
बंजारे के सर पे फोड़ दूं, तेरे जैसे बंजारे मिल जाए तो गवर्नमेंट की नौकरी में एक मिनट में छोड़ दूं। Yeah.
भांगे तलाया बनाऊं मैं को तारे ना पूरे
परिवार है। बढ़िया, धन्यवाद।